डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग जो क्लास ट्वेल्थ का मैट्रिक्स चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, वी हैड डिस्कस दैट वन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वी हैव ऑल्सो सीन सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके बारे में हमने प्रॉपर्टीज भी कुछ देखा था। आई होप यू पीपल हैव गॉन थ्रू दैट वीडियो, आपने देखा होगा। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस पार्ट को ज़रूर से ज़रूर पहले देख लें। तो आज जो हम लोग उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले लेट मी वंस एक फिर से क्या करना चाहिए ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो प्रॉपर्टीज था कि अगर सपोज़ कोई मैट्रिक्स है ए, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, अगर सेम मैट्रिक्स आ जाएगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अगर सपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आएगा, ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ऑफ ए आएगा, निगेटिव आएगा मैट्रिक्स का, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है, ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। ओके, तो ये पहला था। सेकेंड क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स को, इन एनी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को क्या है कि हम लोग उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। तो उससे पहले क्या था कि अगर मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। इसको हम लोग प्रॉपर्टीज में देखा था, यू कैन सी ओवर हियर इट इज रिटन कि अगर ए प्लस ए, ए प्लस ए जो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इन द सेम वे ए माइनस ए ट्रांसपोज वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो किसी मैट्रिक्स, क्वेश्चन ये है, किसी मैट्रिक्स ए को अगर वी हैव टू शो द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम लोग ए को लिखेंगे 1/2 टाइम्स, एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, प्लस एक बार क्या लिखेंगे, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, ये लिखना पड़ेगा। तो ये जो है सिमेट्रिक होता है और ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए को हमने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, करेक्ट। नाउ अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा था कि ए इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, राइट ना। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 2 3 4 5 3 2 4 5 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसके सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो हमने देखा है कि किसी मैट्रिक्स ए को उसके सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखने का मतलब है कि उसको इस फॉर्म में लिखना, 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमें क्या करना है, पहले इसका वैल्यू लिखना है और फिर इसका वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया, पूरे जो एक्सप्रेशन है 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज को पी मान लिया और 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्यू मान लिया, मतलब ये वाला जो सिमेट्रिक है उसको पी और स्क्यू सिमेट्रिक को क्यू एक्सप्रेशन मान लिया, राइट, वेयर पी इक्वल टू ये, क्यू इक्वल टू लिखा हो। तो दैट मीन्स हमें पी और क्यू का वैल्यू अलग अलग निकालना है। तो हमें पी और क्यू का निकालने के लिए मैट्रिक्स ए तो दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इट इज़ गिवेन, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा इसका। तो हियर इट इज़ सीन ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स से, कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो रोज है 3 2 3 कॉलम बन जाएगा 3 2 3, फिर सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है हम लोग पढ़ रखे हैं। तो ये 3 2 3 है, ये 3 2 3 है, तो इस तरह से लिखा जाएगा 3 2 3 कॉलम में, फिर 4 5 3 है तो ऊपर से 4 5 3, और फिर थर्ड रो में क्या है, 2 4 5 है तो 2 4 5। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज बन गया, ट्रांसपोज बन गया मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए ये है, ट्रांसपोज ये है। अब हम क्या करेंगे, पी का वैल्यू निकालेंगे। तो पी क्या हमने माना है, पी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 का 1/2 और मैट्रिक्स ए जो कि दिया हुआ है ये, अब प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज जो हमने निकाला जस्ट। अब क्या करेंगे, पहले ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो सिंपल क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग डिस्कस कर रखे हैं कि हाउ वी डू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। सो वी विल ऐड 3 एंड 3, दैट विल बी 6, 2 4 6
3 और 2 इट विल बी 5 इन द सेम वे 4 2 6 5 5 10 3 4 7 एंड 2 प्लस 3 5 4 प्लस 3 7 5 प्लस 5 10 तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने के बाद वी विल गेट दिस वन। नाउ अब इसके मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन 1 बाई 2 है तो ये जस्ट लाइक स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब 1 बाई 2 है मतलब हम लोग क्या करेंगे इसके हर एलिमेंट से 1 बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 तो नीचे डिनोमेटर में तो सिंपली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो 6 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा जैसे कि सपोज 1 बाई 2 इंटू 6 तो इस तरह से 3 तो ये 3 आ जाएगा। उसी तरह से इसके साथ करोगे भी 3 आ जाएगा फिर 5 के साथ करोगे तो 5 बाई 2 आ जाएगा फिर इस 6 के साथ सेकेंड रो के साथ करोगे तो 3 10 के साथ करोगे तो 5 7 के साथ करोगे 7 बाई 2 और 5 है तो 5 बाई 2 7 बाई 2 और 10 बाई 2 दैट इज़ 5। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा P का वैल्यू निकल जाएगा वी विल गेट द वैल्यू ऑफ P और यही P क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आ गया राइट। अब हमें क्या निकालना है चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। ये तो सही है कि ये तो आ गया करेक्ट है लेकिन अगर चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा सिमेट्रिक चेक करने के लिए सीधा ट्रांसपोज लो। तो अगर P ट्रांसपोज करोगे P के ट्रांसपोज करोगे तो ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा तो यू कैन सी 3 3 5 बाई 2 है तो 3 3 5 बाई 2 फिर 3 5 7 बाई 2 तो 3 5 7 बाई 2 फिर 5 बाई 2 7 बाई 2 5 तो 5 बाई 2 7 बाई 2 5 इस तरह से बन गया। अब ये देखो ये जो ट्रांसपोज इसका लिया गया दोनों का दोनों सेम है कि नहीं है तो ये P ही है इसका मतलब P ट्रांसपोज P आ गया दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो P था दैट इज होल एक्सप्रेशन ओवर 2 टाइम्स A प्लस A ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है राइट। नाउ अब हम लोग किसका निकालेंगे Q का तो Q का हमने क्या एज्यूम किया Q इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज 1 बाई 2 टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज। अब क्या करो तो यहाँ पे Q पुट करेंगे तो 1 बाई 2 टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू 1 बाई 2 A माइनस A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हमने निकाल रखा था ऊपर पुट करेंगे। अब क्या है माइनस साइन है किसी मैट्रिक्स से पहले अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो मैंने क्या बताया था कि उसको प्लस साइन कर दो और माइनस को हर एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे तो ये ऐसे ही रह जाएगा और ये जो है प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये मैट्रिक्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इसके अंदर हर एलिमेंट के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 4 3 3 5 का माइनस 3 माइनस 3 माइनस 5। अब ये आफ्टर ऑल क्या है एडिशन है ये क्या है एडिशन है तो इसको ऐड कर देंगे हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ तो 3 के साथ माइनस 3 तो ये 0 फिर 2 के साथ माइनस 4 यू विल गेट माइनस 2 और 3 के साथ माइनस 2 तो ये आ जाएगा 1। तो आई होप इस तरह से हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करोगे तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये 1 बाई 2 है तो फिर से स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है हर एलिमेंट के साथ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट तो 1 बाई 2 के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 1 बाई 2 माइनस 2 के साथ तो माइनस 1 1 बाई 2 इंटू 1 1 बाई 2 तो इसी तरह से फिर 1 बाई 2 2 के साथ 1 1 बाई 2 0 के साथ 0 1 बाई 2 माइनस 1 के साथ माइनस 1 तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा क्यों कुछ इस तरह से। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे ये तो मुझे पता है कि 1 बाई 2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये है या नहीं। तो क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्यू ट्रांसपोज निकालोगे तो ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा तो ये देखो 0 माइनस 1 1 बाई 2 तो इस तरह से आएगा 0 माइनस 1 1 बाई 2 सेकेंड जो रो है दैट इज 1 बाई 2 फिर है माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 0 तो ये जगह माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 0 इस तरह से राइट। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसमें ट्रांसपोज लेने के बाद अगर क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं फ्रॉम ईच एलिमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स तो माइनस कॉमन लिया गया तो यहाँ पे जो 0 है वो तो 0 रह जाएगा ये 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 है तो प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है राइट तो साइन अपोजिट हो जाएगा ना ये माइनस 1 है तो 1 बन जाएगा 0 है तो 0 रह जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और फिर 1 बाई 2 तो माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 तो प्लस 1 बाई 2। अच्छा देखो इसमें कन्फ्यूज मत होना तो यहाँ पे माइनस 0 0 जो है नहीं पॉजिटिव नंबर है नहीं निगेटिव नंबर है ठीक है इसीलिए 0 में कुछ भी कॉमन साइन लोगे वो 0 का 0 रहेगा इट डज़ नॉट अफेक्ट दैट वन। ये भी मत सोचना कि सर 0 है तो आप जैसे 4 है 4 से पहले कोई साइन नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव नंबर होता है करेक्ट इसी तरह से 0 से पहले कोई साइन नहीं इसका मतलब हम पॉजिटिव समझे तो ये कहना गलत है ठीक है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमें माइनस साइन कॉमन लेने के बाद अगर ऑब्जर्व करें ये चीज़ ऑब्जर्व करो तो ये कोई और मैट्रिक्स नहीं बल्कि क्यू मैट्रिक्स है वो क्या है क्यू इसको देखो फिर से वही आ जाएगा इसीलिए माइनस ऑफ क्यू लिख सकते हैं तो क्यू ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस क्यू आ गया तो आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो अगर वो निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा माइनस साइन के साथ आएगा दैट मीन्स वो स्क्यू सिमेट्रिक है दैट मीन्स हमने पाया कि 1 बाई 2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इसी तरह से हमने
वेरीफाइड कर लिया कि पी जो है सिमेट्रिक है और क्यू इसक्यू सिमेट्रिक है, तो हमें ए इक्वल टू पी प्लस क्यू लिखना आता था, पी तो निकाल ही लिए हम लोग। तो ये पी पी कहाँ है आपका, यहाँ पे पी जो है ये मैट्रिक्स है तो इसको, और क्यू जो है आपका ये मैट्रिक्स है, तो दोनों के सम के इक्वल कर देंगे, बस ये हो गया। तो इसी तरह से क्या है हम लोग, ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते ही एग्जाम में, सो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या है, इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो हमें दिया है मैट्रिक्स ए और इधर दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए प्लस उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज तो पता है, रोज को क्या करना है, कॉलम से बदल देना है। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। अब क्या है, एंड दैट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू, और आरएचएस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी तो पता है कि जिसका डायगनल एलिमेंट क्या होगा 1 1 और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होगा 0 0 होगा। नाउ अब ये ऑर्डर देखो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो इसीलिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना लेना पड़ेगा, 2 बाई 2 का ही लेना पड़ेगा। तो 1 0 0 1 इस तरह से, करेक्ट। अब क्या करो, ये तो सिंपल एडिशन मैट्रिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग के साथ कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब क्या करोगे, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इसका प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ इक्वल करते हैं। तो हियर व्हाट वी विल डू, 2 cos alpha इक्वल टू 1 करेंगे, ये तो 0 0 की इक्वल ही है, 0 0 की इक्वल है, 2 cos alpha इक्वल टू 1। सो फाइनली विल गेट द 2 cos alpha इक्वल टू 1। तो cos alpha क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो 1 बाई 2, इसका मतलब cos alpha 1 बाई 2 आ गया। तो अल्फा मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू होगा कि cos थीटा 1 बाई 2 हो जाता है। तो आई होप यू पीपल रिमेंबर दैट इज 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई 2, इसका मतलब 60 डिग्री को चेंज करोगे रेडियन में तो ये कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए और बी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का है, देन सो दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको बोला गया है कि शो करने के लिए कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखो यहाँ भी बोल दिया है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए और बी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा, उसी तरह से बी ट्रांसपोज करोगे तो बी आएगा। यही ना होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्राइटेरिया, ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब हमें शो करना है ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू है, तो स्क्यू करने के लिए क्या है निगेटिव चाहिए, जैसे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाना चाहिए। यही ना होता है स्क्यू सिमेट्रिक का, माइनस ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, जिसका पूछा जा रहा है उसका क्या करो, ट्रांसपोज ले लिया करो, जिसका भी प्रूफ करना रहेगा कि शो करो कि ये सिमेट्रिक है, उसके लिए क्या करना है, ये हमें ट्रांसपोज लेना होता है। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिया गया, राइट, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए, वहाँ पे देख लेना एक बार, रिवाइज कर लेना पीछे वाला पार्ट। हम लोग क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है तो हम लोग अलग अलग करते हैं, मतलब ए बी ट्रांसपोज अब माइनस बी ए ट्रांसपोज, ओके, ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज, सम हो या एडिशन, अलग अलग ट्रांसपोज को सिंपली हम लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इसका फर्दर इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होता है, बी पे आता है, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अब माइनस फिर ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज, ये इसका, ये था इसका और बी बी ए का ट्रांसपोज, मतलब पहले ए ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ए बी का होल ट्रांसपोज है तो पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, फिर यहाँ पर बी ए का होल ट्रांसपोज है तो पहले ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे बताओ, इस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है तो हम बी ट्रांसपोज के बी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज ए है तो ए ट्रांसपोज के ए लिख सकते हैं, द सेम वे ए ट्रांसपोज जगह पे ए बी ट्रांसपोज जगह पे बी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी। अब क्या करो, दोनों में माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए बचेगा, ए बी माइनस बी ए, अब यहाँ पे माइनस रह जाएगा तो ये ए बी माइनस बी ए फिर से देखो तो ये क्या आ गया हमें फाइनली, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी आ गया। तो ये जस्ट लाइक वही प्रॉपर्टी ना, ए की ए ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ ए आना चाहिए, मतलब माइनस साइन आ जाएगा, जो यहाँ पे मैट्रिक्स होगा वही लिखा जाएगा। तो वही तो है, जो मैट्रिक्स यहाँ पे है वही है, बस माइनस साइन बाहर आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं
क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से निगेटिव साइन ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक हिंस इस तरह से प्रूफ हो गया। आपको इसमें ए प्लस ए बी प्लस बी ए भी पूछा जाएगा, ठीक है। वो चीज़ें आई होप कर लोगे तुम लोग, और क्वेश्चन में आ जाए तो शो करो कि ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उससे अब कुछ सेम प्रोसेस फॉलो होगा, यहाँ पे प्लस प्लस जाएगा, सब प्लस प्लस जाएगा, प्लस प्लस जाएगा, प्लस प्लस जाएगा, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो दैट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स जाएगा। आई होप इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ विल मूव क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है, अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है आई जीरो और जीरो आई, राइट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको दो बार मल्टीप्लाई, मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ए इंटू ए का मतलब क्या, दो बार मल्टीप्लाई, तो आई जीरो जीरो आई, फिर आई जीरो जीरो आई। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तो मैंने बताया था कि पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो जो है सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर, फिर जीरो के साथ जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो आई स्क्वायर प्लस जीरो हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आई इंटू जीरो जीरो, फिर जीरो इंटू आई जीरो हो जाएगा। ये आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो जो है सेकेंड रो जीरो और इसके साथ है जीरो इंटू आई जीरो, फिर आई इंटू जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो। फिर क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो जीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा और आई के साथ आई, तो ये हो जाएगा जीरो के साथ जीरो तो जीरो, और आई के साथ आई करेंगे तो आई स्क्वायर, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और फाइनली जीरो के तो छोड़ ही दो, ऐड करने पे तो आई स्क्वायर रहेगा, और आई स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग क्लास 11th पढ़े हो कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन होता है, ठीक है। क्योंकि याद करो आई का वैल्यू होता है रूट अंडर माइनस वन, तो स्क्वायर करोगे तो ये इस तरह से होगा, तो माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो और आई स्क्वायर प्लस जीरो है तो ये माइनस वन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें ए स्क्वायर का वैल्यू हमें कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है इस तरह का सभी से बन जाएगा। नाउ अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन है मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स जो हमें दिया रहेगा तो हम लोग क्या क्या उसमें वर्क कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि देयर आर सिक्स ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में छः तरह का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कि थ्री जो होगा रोज में होगा, थ्री कॉलम्स में होगा, ठीक है। थ्री जो होगा रोज के लॉन्ग कर सकते हैं और थ्री जो कॉलम्स के लॉन्ग। तो पहला क्या है, पहला द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, हम लोग क्या कर सकते, कोई मैट्रिक्स रहेगा तो हम लोग कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो जैसे कि आर, यहाँ पे देखो आर आई, मतलब आईथ रो जो है उसको इंटरच, ये आर से रो और आई क्या है उसका नंबर ऑफ रोज बताएगा, तो आईथ रो को इंटरचेंज किया गया है आर जे से, मतलब जेथ नंबर ऑफ रोज से, ठीक है। मतलब सपोज़ अगर ये है आर टू और इस तरह से डबल एरो रहेगा दोनों साइड से रहेगा आर थ्री, इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया जाएगा उसमें रो थ्री के जगह पे रो टू लिख देंगे, रो टू का एलिमेंट और रो टू जगह पे रो थ्री का एलिमेंट क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से शो किया जाता है। उसी तरह से क्या है, सी आई जे कॉलम का इंटरचेंज करना होगा, तो इस तरह से सी आई और सी जे को हम लोग शो करते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल समझते हैं ज़्यादा बेटर होगा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव माइनस टू थ्री सिक्स माइनस एट है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइंग आर टू आर थ्री, मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो आपस में इंटरचेंज करेगा, इसका मतलब कि ये जो थ्री सिक्स माइनस एट है ये इसके सेकेंड पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आ जाएगा और सेकेंड वाला थर्ड की जगह पे, फर्स्ट पे कोई चेंज नहीं होगा, तो वन टू थ्री का वन टू थ्री, अब थ्री सिक्स माइनस एट ऊपर लिख दो तो थ्री सिक्स माइनस एट ऊपर, और फोर फाइव माइनस टू नीचे तो फोर फाइव माइनस टू नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस तरह से इंटरचेंजिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से अगर सपोज कॉलम में बोला जाता सी वन और सी जे को इंटरचेंज करना, इसका मतलब इसको यहाँ लिखना था और इसका मतलब टू फाइव सिक्स पहले लिखा जाएगा, टू फाइव सिक्स पहले, फिर वन फोर थ्री बाद में, और ये थ्री माइनस टू माइनस एट, इस तरह से ये एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को। नाउ सेकेंड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो कोई पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। उसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय आर आई के आर आई, मतलब आर आई सपोज हम लोग आईथ रो में, आईथ रो में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये कर रहे हैं जो आईथ रो है उसमें के कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज अगर हमारे पास ऐसे लिखा रहेगा आर टू
रो टू टाइम्स आर टू। इसका मतलब कि जो सेकेंड रो है उसमें क्या करेंगे, सेकेंड रो का हर एलिमेंट से टू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देना है ये होल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं है, ये पार्टिकुलर रो का मल्टीप्लाई है। अगर सपोज सी थ्री है, सी थ्री रो अगर मान लो कि फाइव सी थ्री है, इसका मतलब कि थर्ड कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, फाइव से मल्टीप्लाई करके और थर्ड कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 7 4 5 6, अप्लाइंग सी वन एरो 1/2 C1, मतलब हम लोग क्या करेंगे सी वन रो में सॉरी सी वन कॉलम में, यहाँ सी वन मतलब कॉलम, तो सी वन कॉलम में 1/2 मल्टीप्लाई करना, मतलब सिंपल समझना है कि 2 से डिवाइड कर देना है कॉलम वन में। तो कॉलम वन कौन है, यही है ना सिर्फ, तो इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड, बस अब बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो इसमें पहला 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1, फिर 4 है तो 4 से 4 में डिवाइड करोगे 2 से तो 2, अब बाकी 3 5 7 6 एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो आई होप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन में सबको समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड जो है, दैट इज़ एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी रो नॉन जीरो नंबर, इट इज़ डिवाइड बाई आर ए। मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दो रो का आपस में ऐड भी कर सकते हैं पार्टिकुलर रो की बनाने के लिए, और कोई भी कॉलम को उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज आर वन, यहाँ पे जैसे आर आई लिखा हुआ है, आर आई एरो आर आई प्लस के आर जे, मतलब जैसे सपोज आर वन इक्वल टू आर टू प्लस टू टाइम्स आर थ्री लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट रो को चेंज किया गया, और फर्स्ट रो में जो अब एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, थर्ड रो के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड रो के साथ ऐड करेंगे तो वो मेरा थर्ड, तब वो मेरा फर्स्ट रो का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, ऐसे समझना है कि थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके उस जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो के साथ ऐड करेंगे एंड देन इट विल फॉर्म द फर्स्ट रो। जैसे कि सपोज इसको एग्जांपल समझते हैं, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 1 5, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर टू, मतलब रो टू जो चेंज होगा, यहाँ पे रो टू अभी क्या है 1 5 है, लेकिन अब जो चेंज होगा रो टू के जगह पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, आर टू माइनस टू आर वन, मतलब आर वन में 2 से मल्टीप्लाई करके और उसको सेपरेट कर देंगे आर टू में से, तब जो नया मेरा आर टू बनेगा। जैसे कि सपोज 2 3 है तो ये तो फर्स्ट रो का है तो उसको तो ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सेकेंड रो का जो एलिमेंट 1 है पहला, तो 1 क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट लाइक इक्वेशन के समझो, इक्वेशन की तरह समझो, आर टू माइनस है तो 1 माइनस 2 इंटू आर 1, तो आर 1 मतलब क्या, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2, तो 2 के साथ तो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो इससे माइनस 3 लिखा जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा ये वाला, तो यहाँ पे कैसे आएगा, तो आर 2, तो आर 2 कितना पहले 5 माइनस 2 इंटू आर 1, और आर 1 का क्या है 3, तो 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, तो इस तरह से माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमें कुछ भी अगर इस तरह से बोला जाएगा रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के लिए, तो हम इंटरचेंज नहीं, आई मीन वैल्यू को एडिशन या सब्ट्रैक्शन विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाएगा तो करते हैं। जैसे सपोज अगर C1 है, C1 रो है C1 माइनस C2, मतलब फर्स्ट कॉलम को क्या करना है C1 माइनस C2 से रिप्लेस करना है, तो हमारे पास क्या है 2 1 है, तो अगर यहाँ पे एलिमेंट तो कॉलम 1 का चेंज करेगा तो हम C2 तो C2 कितना है 2 माइनस 3, तो माइनस 1। उसी तरह से 1 के जगह पे क्या आएगा, तो 1 माइनस C2, C1 माइनस C2 है तो C2 कितना है 5, तो 1 माइनस 5 माइनस C1 माइनस C2, तो 2 माइनस 3 करेक्ट है। अब यहाँ पे C1 माइनस 2 तो 1 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4, मिस्टेक है, 1 माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस 4 कर लेना सब। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या करना है माइनस 4 कर लेना, और सेकेंड कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड कॉलम नहीं, आई होप ये जो इंटरचेंज किया गया ना इसमें किया गया, इस मैट्रिक्स को लेके किया गया। ओके, इस मैट्रिक्स को लेके किया गया है, तो आप लोग जो है सिंपल से क्या करना है कि जो भी रोज़ और कॉलम्स दिया रहेगा इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखना है कि कौन सा रोज़ या कौन सा कॉलम जो है इंटरचेंज हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें किस में इंटरचेंज करना। तो इस तरह से जो है हमारा जो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और एक दो और टॉपिक बच जाएंगे तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो जो भी स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हो प्रीवियस पार्ट को जरूर से जरूर देख ले। तो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।